पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए काराकाट चुनाव के बाद। पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा, हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपको बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर रहे, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए काराकाट चुनाव के बाद। पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा, हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपको बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर,
है। इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए काराकाट चुनाव के बाद। पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उन्हें उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबर ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए काराकाट चुनाव के बाद। पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उन्हें उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबर ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक
नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर रहे, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए काराकाट चुनाव के बाद। पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा, हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उन्हें उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपको बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए काराकाट चुनाव के बाद। पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा, हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उन्हें उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख
देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर रहे, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए, काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उन्हें उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए, काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उन्हें उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद।
24 आपको बता दे कि भोजपुरी सुपर स्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर रहे, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए काराकाट चुनाव के बाद, पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार करें, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे एक न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपर स्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर रहे, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए काराकाट चुनाव के बाद, पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार करें, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार,
24 आपको बता दे कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर रहे, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए, काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उन्हें उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए, काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उन्हें उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार।
आपको बता दे कि भोजपुरी सुपर स्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर रहे, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए, काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरे नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे एक न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपर स्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए, काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरे नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राव,
आप देख रहे एक न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह इसी 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर रहे, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए काराकाट चुनाव के बाद, पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार करें, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह इसी 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर रहे, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए काराकाट चुनाव के बाद, पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार करें, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपर स्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर रहे, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए काराकाट चुनाव के बाद, पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरे नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उन्हें उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपर स्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए काराकाट चुनाव के बाद, पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरे नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना चाहिए, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उन्हें उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। We'll be right back.
नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर रहे, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए, काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उन्हें उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए, काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उन्हें उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद।
देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर रहे, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए काराकाट चुनाव के बाद, पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए काराकाट चुनाव के बाद, पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद।
देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर रहे, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए, काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उन्हें उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए, काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उन्हें उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद।
24 आपको बता दे कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर रहे, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए, काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरे नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे एक न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए, काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरे नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार।
आपको बता दे कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर रहे, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए, काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उन्हें उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए, काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उन्हें उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राव।
देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपर स्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर रहे, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए, काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरे नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उन्हें उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपर स्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए, काराकाट चुनाव के बाद पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरे नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उन्हें उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर रहे, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए काराकाट चुनाव के बाद, पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उन्हें उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए काराकाट चुनाव के बाद, पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उन्हें उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपर स्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर रहे, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए काराकाट चुनाव के बाद, पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उन्हें उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपर स्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनकी माँ का आशीर्वाद ले रही है और जिस तरह से बच्चे को अपनी गोद में ली है, यानी साफ तौर पर पता चल रहा है कि वो माँ की भूमिका निभा रही है। हालांकि जिस तरह से पवन सिंह स्त्री 2 के मूवी के गानों में भी जबरदस्त अपना प्रदर्शन कर, इसी बीच उनका काफी चर्चा हो रहा है। हालांकि एक वीडियो आए दिन काफी चर्चे में था, जिसमें पवन सिंह श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव के साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गए थे और हालांकि वहां पे जिस तरह से धूम मची वो देखने लायक था। वहां के स्टूडेंट्स काफी पवन सिंह के गाने पर जमकर डांस किए। लेकिन ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है, पवन सिंह पिता बन गए काराकाट चुनाव के बाद, पवन सिंह का नाम काफी चर्चे में रहा। हालांकि काराकाट भी उनकी वजह से हॉट सीट बना हुआ था, लेकिन पवन सिंह वहां दूसरी नंबर पर आए। लेकिन फिर भी आज भी काराकाट क्षेत्र में हम जाते हैं तो पवन भैया जिंदाबाद के नारे अक्सर लगाते हैं लोग। वहां के लोग चाहते थे कि पवन सिंह वहां के सांसद बने, लेकिन खैर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह अगले चुनाव में भी अपनी रणनीति तैयार कर, उनका कहना है कि मैं काराकाट की जनता के लिए हमेशा डटा रहूंगा। लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी पवन सिंह के पिता बनने का कितना सच्चाई है, ये तो हम आपके भी साझा करेंगे ही। हालांकि ये जो वीडियो आ रही है, आप भी जरूर देखें और वीडियो से पता करें कि वाकई ये पवन सिंह का और ज्योति सिंह का बेटा है या फिर कोई और उन्हें उनके घर में नन्हा मुन्ना परिवार आया है। तो तब तक लिए धन्यवाद, ऐसे देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद। We'll be right back.
नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपको बता दे कि भोजपुरी सुपरस्टार यानी पवन सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उनकी पत्नी यानी ज्योति सिंह एक नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में खिला रही है। हालांकि जिस तरह से वो बच्चों को खिला रही है, कहीं ना कहीं कैसे लगाई जा रही है कि पवन सिंह पिता बन गए। जी हाँ, खबरें ये सामने आ रही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के घर में एक नया नन्हा मुन्ना प्यारा बच्चा आया है, जो पवन सिंह और ज्योति सिंह को माँ बाप बना दिया है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि